खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही इस यात्रा पर जा सकते थे। दरअसल तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोकने के लिए राज्य की सरकार ने अन्य राज्यों के लोगों के लिए चार धाम की यात्रा को बंद कर दिया था, लेकिन उस दौरान जो भक्त चार धाम की यात्रा के लिए दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आएंगे उन्हें सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा पर आने वाले भक्तों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान भक्तों को अपना पहचान पत्र और निगेटिव रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उन्हें अपने साथ ओरिजिनल कॉपी भी रखना होगा, जिसे समय पर यात्रा के दौरान चेक किया जाएगा। इसके बाद ही मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म आज शाम से 7 बजे डिज्नी हॉटस्टार रिलीज होगी। फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री संजना सांघी नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है। सोशल मीडिया पर भी सुशांत के प्रशंसक लगातार इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं। ट्रेलर में सुशांत की एक झलक ने सबका दिल जीत लिया था। अब दर्शक अपने फेवरेट एक्टर की दिल बेचारा के जरिए मुस्कान देखने के लिए तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार प्लाज्मा मुफ्त दे रही है और लोगों को उसे खरीदने या बेचने की जरूरत नहीं है। एक बयान के अनुसार केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को चांदनी चौक पर पुण्य विकास परियोजना का निरीक्षण किया और इस मौके पर प्लाज्मा की पर्याप्त उपलब्धता की बात कही। उन्होंने कहा, हम लोगों को प्लाज्मा मुफ्त दे रहे हैं। हमारे पास ILBS अस्पताल में स्टॉक के तौर पर 500 से अधिक प्लाज्मा सैंपल हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा था कि यदि यह पाया जाता है कि किसी COVID-19 मरीज को प्लाज्मा दान की प्रक्रिया के दौरान पैसे का लेन देन हुआ है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुप्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग IPL 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को यह जानकारी दी। IPL संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी जिसमें इसे अंतिम रूप देने के साथ कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। पता चला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने अपनी योजना से फ्रेंचाइजी को अवगत करा दिया है। पटेल ने कहा, संचालन परिषद जल्द ही बैठक करेगी, लेकिन हमने कार्यक्रम तय कर लिया है। यह 19 सितंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक होगा। हमें सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह पूरा 51 दिन का IPL होगा। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में अब तक कोरोना के 12 लाख मरीज हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 63.45% है। देश में मृत्यु दर 2.3% है, जो यह साबित करता है कि देश में कोरोना के खिलाफ जंग सही दिशा में चल रही है। देश में अब तक 15 लाख RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं।